आवश्यक अमीनो अम्ल हमारे शरीर में निर्मित नहीं होते हैं, उन्हें हमें अपने खाने से प्राप्त करना पड़ता है। आवश्यक अमीनो अम्ल को हम पशु अन्न से मिलने वाले प्रथिन जैसे मांस, अंडा इत्यादि से प्राप्त कर सकते हैं। पशुओं से प्राप्त प्रथिनों को फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहा जाता है। प्रथिनों के पाचन के बाद ही हमें अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। इस अमीनो अम्ल को शरीर में सोख लिया जाता है और फिर शरीर के हर अवयव और कोशिकाओं तक रक्त के माध्यम से पहुंचाया जाता है। लिपिड, लिपिड को चर्बी भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऊर्जा की निर्मिति और उसका संचयन। हमारे शरीर में लिपिड का प्राथमिक कार्य मांसपेशियों को तथा शरीर की अन्य क्रियाओं को ऊर्जा देना है। लिपिड हमारे शरीर में तपावरोधन और संरक्षण का भी काम करता है। हमारी त्वचा के बिल्कुल नीचे चर्बी की परत होती है जो हमारे शरीर के अंतर्गत तापमान को बाह्य तापमान की विषम परिस्थितियों में भी नियंत्रित करने का काम करती है। पाचन क्रिया और अवशोषण, हमें लिपिड की आवश्यकता योग्य पाचन क्रिया के लिए और पोषक तत्वों और अन्न के अवशोषण के लिए होती है। कोशिका भित्ति की संरचना, लिपिड हमारी कोशिकाओं की भित्ति को संरचना प्रदान करता है और उन्हें आधार भी देता है। हार्मोन निर्माण, लिपिड का एक प्रकार है कोलेस्ट्रॉल, जो शरीर के महत्वपूर्ण स्टेरॉइड हार्मोन के लिए आवश्यक होता है। लिपिड स्निग्ध अम्ल और अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं। स्निग्ध अम्ल अवशोषित कर लिए जाते हैं और शरीर के सारे भागों में पहुंचाए जाते हैं। इन्हीं स्निग्ध अम्लों का उपयोग कर विभिन्न कोशिकाएं उनके लिए आवश्यक पदार्थों की निर्मिति करती है। उदाहरण के लिए कोशिका का प्रद्रव्य पटल, उसे बनाने के लिए फॉस्फोलिपिड की आवश्यकता होती है जो इन्हीं स्निग्ध अम्लों से बनाया जाता है। जीवन सत्व, जीवन सत्व कुछ जैविक पदार्थों का समूह है जो प्राकृतिक पदार्थों में अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। चयापचय की क्रिया सामान्य रूप से होने के लिए इनकी जरूरत होती है। इनका सेवन योग्य मात्रा में करना आवश्यक है। जीवन सत्वों को दो समूहों में विभाजित किया जाता है। एक, स्निग्ध पदार्थों में घुलनशील जीवन सत्व, ए, डी, ई और के स्निग्ध पदार्थों में घुलनशील है, और दो, जल में घुलनशील जीवन सत्व सी और सारे बी विटामिन जल में घुलनशील है। जीवन सत्व हमारे शरीर के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा चयापचय क्रिया, रोग प्रतिबंधक शक्ति और पाचन क्रिया में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुल मिलाकर 13 महत्वपूर्ण जीवन सत्व हैं, जिनमें ए, सी, डी, ई और के और बी इनका समावेश होता है। इनके अलावा राइबोफ्लेविन और फोलेट भी आवश्यक होते हैं। हमने ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया और क्रेब के चक्र के बारे में पढ़ा है, जिसमें FADH2 और NADH2 का निर्माण होता है। इन दोनों के निर्माण में क्रमशः राइबोफ्लेविन, विटामिन B12 और निकोटिनामाइड, विटामिन B5 की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में साधारणतः 65-70% पानी होता है। हर कोशिका के वजन में 70% पानी का ही वजन होता है। रक्त में रक्त द्रव के 90% पानी ही होता है। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी आ जाए तो न सिर्फ कोशिकाओं का कार्य लेकिन सारे शरीर का कामकाज बिगड़ जाएगा। इसी कारण पानी अत्यावश्यक पोषक तत्व है। उपरोक्त सभी पोषक तत्वों के साथ साथ तंतुमय पदार्थ भी हमारे लिए आवश्यक पोषक तत्व है। हम तंतुमय पदार्थों को पचा नहीं पाते हैं, फिर भी ये पदार्थ अन्य पदार्थों के पचन में और जो पदार्थ हम पचा नहीं पाए हैं उन्हें बाहर निकालने में सहायता करते हैं। हमें ये तंतुमय पदार्थ हरी सब्जियों से, फल और अनाज से प्राप्त होते हैं।